सबको जय मसीह की मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर इस संध्याकालीन की प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस महिमा में परमेश्वर का आदर करें जिसने मुझे और आपको संभाला है। प्रेज द लॉर्ड, उस परमेश्वर पिता की महिमा करें, उस आदर में परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको पूरे दिन भर संभाला, रक्षा किया, जीवित और स्वस्थ और भला छंगा रखा। मेरे प्रियो, हम सब मिलकर खुदा का आदर करें, पिता का आदर करें, उस महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझे और आपको संभाला है हर खतरों से, मुसीबतों से, अंधकार की शक्तियों से, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियों से, हर एक एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से बचाया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित और अनुग्रहकारी और भला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, उसके प्रेम के बदले हम उसे क्या दें, धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है मैं धन्यवाद का कटोरा लेकर तेरे कदमों में आता हूं और तुझे धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे संभाला है, तूने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु के करीब आकर उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और जय जयकार करें। मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा जीवित पिता है, वह सामर्थ्य और भय योग्य पिता है, उसका आदर करें, उसकी महिमा करें और जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खमा बाबा बारिश खन लरबा राधा नाला राधी नाला रा 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 बा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता हमारे साथ है, हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड, हमें वो सही मार्ग दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के वचन में ऐसा लिखा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी मार्ग में मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, सचमुच में मेरे प्रियो, कई लोग डर के साय में जीवन जीते हैं, डर डर कर मर कर जीते हैं, लेकिन प्रभु हमारा वो परमेश्वर नहीं है। डर की आत्मा नहीं दी है उसने, हमें हिम्मत की आत्मा दी है। इसलिए प्रभु यहोवा कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं तुझे बचाने के लिए, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, परमेश्वर पिता का वचन कहता है 41 उसके 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक। प्रेज द लॉर्ड, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा खुदा हमारे साथ है और वह हमारे बीच में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, वह हमारे बीच में रहता है, वह हमारी रक्षा करता है, वह हमारे पास है। यहोवा यूं कहता है, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा और तुझसे कहूंगा मत डर क्योंकि मैं तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड, यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे बीच में हूं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। सचमुच में मेरे प्रियो, वो हमसे वायदा करता है और उसका वायदा कभी झूठा नहीं रहता, इसलिए उसके ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारे साथ कोई रहे या ना रहे, हमें कोई बचाए या ना बचाए, वो हमें अंधकार की शक्तियों से, सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से, जादू टोने भूत प्रेत की शक्तियों से, महामारी से, महारोग से, क्लेश से, संकट से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, अचानक आने वाली विपत्तियों से बचाता है, अचानक आने वाले महामारियों से बचाता है। उसके करीब रहिए, उसके करीब रहिए मेरे प्रियो, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे बीच में रहता है। उस परमेश्वर पिता का आदर करें, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर पिता का
महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय में जितने भी तेरे करीब हैं, इस संध्याकालीन में हम तेरे पास आते हैं खुदा, और परमेश्वर पिता हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप महान और जीवित खुदा हैं, आप सामर्थ्य और भययोग्य खुदा हैं, आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी पिता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, आज जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उन सारे प्रिय भाई बहनों को अपनी आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक से भर दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से तू छूले, छूले पिता परमेश्वर, अभिषेक, अभिषेक उतर निकले, मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी सामर्थ उतर निकले, प्रार्थना करता हूँ खुदा। पिता परमेश्वर, आज जितने भी डर के साए में जीवन जी रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों से डर, बीमारी से डर, महामारी से डर, विपत्तियों से डर, कर्ज से डर, बीमारी से डर, बेरोजगारी से डर, पिता परमेश्वर, उनके जीवन से चला जाए सब प्रकार का डर, उनके जीवन से चला जाए, उनके अंदर विश्वास आने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे, तेरी शक्ति से भर दे, और उनके जीवन से सब प्रकार का डर खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन से सब प्रकार का डर खत्म हो जाए, बीमारी, गरीबी, कर्ज का डर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज जितने भी पिता परमेश्वर लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, जो बेसहारा है, जो अनाथ और विधवाएं हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, उनकी सुधि लीजिए। अनाथ और विधवाओं का रक्षक हैं आप, अनाथ और विधवाओं के स्वामी हैं आप, अनाथ और विधवाओं की सहायता करने वाले परमेश्वर हैं आप, अनाथ और विधवाओं का न्याय चुकाने वाले परमेश्वर हैं आप, इसलिए उनकी सुधि लीजिए, उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार के रोग, सब प्रकार की तकलीफें खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया करें, दया करें, दया करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज जितने भी गरीबी में हैं परमेश्वर पिता, उनकी गरीबी खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी बेरोजगारी खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी चिंताएं खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी मुश्किलें खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया करें, प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, यीशु मसीह आप दया करें, और उनकी गरीबी, उनका कर्ज, उनकी तकलीफें खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेष करके पिता, हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, कटने तक परमेश्वर वो सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम से। जितने भी जॉब और बिजनेस करते उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन्हें जॉब नहीं उन्हें जॉब लगने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्टूडेंट्स को आशीषित कीजिए, अपने अपने एरिया में उन्हें ठोपर बनाइए परमेश्वर पिता। जितने भी निसंतान हैं उन्हें संतान दीजिए परमेश्वर पिता। जितने भी आज आईसीयू में कोमा में है परमेश्वर पिता, उनके जीवन से सारी बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जाए, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना, पर आदर, इज्जत, जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आप क्या तुम सोचते मेरे पिता, मेरे राजा, मैं उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो पिता परमेश्वर आज डर के साए में जीवन जी रहे प्रभु यीशु के नाम से, वो डर खत्म हो जाए। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंस, उन्हें छुड़ा ले, उनकी मदद कर, सहायता कर परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। जो कर्ज में, उन्हें छुड़ा ले प्रभु। जितने भी नशे की दुनिया में जी रहे, पाप की दुनिया में, उन्हें नरक की आग से बचा ले, अंधकार की शक्तियों से बचा ले पिता। जिन्होंने पिता परमेश्वर अभी तक तुझे नहीं पाया, वो तुझे जानने वाले बने और उद्धार पाने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। इस रात्रि में हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और परमेश्वर पिता सपनों दर्शन से बातचीत कर, मीठी नींद, सुबह की रोशनी दे खुदा। धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना, आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंप, तूने हमारी प्रार्थनाओं सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। धर्मी जन ने बोला आमेन। मेरे प्रिय प्रभु कहता, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसलिए विश्वास करें, परमेश्वर बचाएगा। आमेन। सबको जय मसीह की।